गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट बल आघूर्ण। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर करने वाले हैं। फिर उसके बाद से डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में कराने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं, बल आघूर्ण से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट थ्योरेटिकल टाइप के होंगे। यानी कि आपको यदि पता है तो 1 सेकंड के अंदर आप उस क्वेश्चन का आंसर देकर के अगले क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं। यदि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, तो मैक्सिमम आप 5 सेकंड के अंदर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन 90% चांसेस है डियर स्टूडेंट कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सेट को भी देखा हो, चाहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ले लो, चाहे आप IERTE एंट्रेंस एग्जाम ले लो, बलागुर से मैक्सिमम बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि आपको एक लाइन में पूछा जाएगा कि तृतीय प्रकार के उत्तोलन का उदाहरण है या इस तरीके से। यानी कि आप 1 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर देकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर कराऊंगा। मैं इस तरीके से डियर स्टूडेंट प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा कि एग्जामिनर कहीं से भी किसी भी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERTE एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेगा, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इस बेहतरीन तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कवर अप कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से अच्छी तरीके से सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आप लोग समझिएगा बल आघूर्ण के बारे में कि बल आघूर्ण आपका होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, बल आघूर्ण आपने ऑलरेडी हाई स्कूल और 9th में भी पढ़ रखा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बल आघूर्ण को एक नए तरीके से बता सकता हूं। ठीक है, तो देखो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है। बल आघूर्ण टाउ बराबर आपका होता है F इनटू का डी। यानी कि बल और क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। बल और क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा ये बता दो, तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, बल का मात्रक आपका डियर स्टूडेंट होगा न्यूटन, और डी यानी दूरी का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर। इस तरीके से बल आघूर्ण का जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर होगा। कभी कभी आपसे डियर स्टूडेंट यह मात्रक ही पूछ लिया जाता है कि बल आघूर्ण का मात्रक है तो क्या है, न्यूटन मीटर, और इस पर आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो आपका बल आघूर्ण है ये किस प्रकार की राशि है। तो जो आपका डियर स्टूडेंट बल आघूर्ण है एक प्रकार की सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। कभी कभी डियर स्टूडेंट आपको बल आघूर्ण का बीमा बताने के लिए पूछ लिया जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि बल आघूर्ण की बीमा क्या रहने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा कि बल आघूर्ण की बीमा क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि टाउ बराबर आपका होता है एफ इंटू का डी। अब बल है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 4 में बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर करा दिया था। तो देखो बीमा निकालेंगे कैसे, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल बोलते हैं, और इनटू का डी है तो डी रख दो। अब देखो बीमा कैसे निकालेंगे,
तो ये आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान के किससे डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम लोग डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट एम से। अब त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का यूनिट क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का यूनिट क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को हम एल से डिनोट करते हैं, प्रति सेकंड स्क्वायर तो सेकंड को टी से डिनोट करते हैं, लेकिन सेकंड स्क्वायर है तो इसको हम टी स्क्वायर लिख देंगे, इनटू का दूरी को किससे डिनोट करेंगे एल से, तो यहां से आपको बीमा निकल कर आ जाएगी एम एल स्क्वायर इनटू टी का पावर माइनस का टू। ठीक बात है कि नहीं, आपको अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा कि बल आघूर्ण का जो बीमा है एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस का टू होता है। यदि आपको किसी भी चीज का बीमा ना पता हो ना, तो ऐसे तोड़ तोड़ करके आप ज्ञात कर सकते हैं किसी भी चीज का बीमा, चाहे बल आघूर्ण हो, चाहे कार हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट आघूर्णों का सिद्धांत के बारे में। तो आघूर्णों का सिद्धांत होता क्या है, तो डियर स्टूडेंट आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस तरीके से कार्य करते हो कि वह अपने अक्ष के परितः स्वतंत्र रूप से घूमते हुए भी संतुलन की अवस्था में हो। मैंने क्या बोला, किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस तरीके से कार्य करते हो कि वह अपने अक्ष के परितः घूमते हुए भी, अपने अक्ष के परितः स्वतंत्र रूप से घूमते हुए भी संतुलन की अवस्था में हो, तो ऐसे कंडीशन में जो वामावर्त आघूर्णों का योग होता है वो बराबर आपका होता है दक्षिणावर्त आघूर्णों के योग के बराबर। समझ में आ गया, मैंने क्या बोला, आघूर्णों का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस तरीके से कार्य करेगी अपने अक्ष के परितः स्वतंत्र रूप से घूमते हुए भी संतुलन की अवस्था में हो, अपने अक्ष के परितः स्वतंत्र रूप से घूमते हुए भी संतुलन की अवस्था में हो, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका वामावर्त आघूर्णों का योग होता है वो आपका बराबर होता है दक्षिणावर्त आघूर्णों के योग के। ठीक है, ये आपको आघूर्णों का सिद्धांत समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डियर स्टूडेंट कि बलों का संघ, यदि किसी पिंड पर क्रियाशील सभी बलों का जो परिमाण हो वो आपका शून्य के बराबर हो, तो उसको हम बलों के संतुलन के कंडीशन में मानते हैं। अब बात आती है डियर स्टूडेंट की आखिर में संतुलन कितने प्रकार के होते हैं, तो संतुलन आपका तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है डियर स्टूडेंट अस्थाई संतुलन, तो अस्थाई संतुलन नाम से ही आपका पता चल रहा है कि अस्थाई संतुलन का मतलब क्या होता है। तो अस्थाई संतुलन का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि यदि किसी पिंड को, यदि किसी पिंड को उस अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन, तो ध्यान से समझिएगा अस्थाई संतुलन क्या होता है। तो अस्थाई संतुलन होता क्या है, यदि किसी पिंड को उसकी संतुलन की अवस्था से हम थोड़ा सा विस्थापित कर दें और पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, उसको हम बोलते हैं अस्थाई संतुलन। क्या मैंने बोला, कोई आपका पिंड है उसको यदि मैं उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित कर दे लेकिन पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाए, उसको हम बोलते हैं अस्थाई संतुलन। इसके बाद से नेक्स्ट आपका होता है डियर स्टूडेंट अस्थाई संतुलन, तो इसी का जस्ट का होता है अस्थाई संतुलन, यानी कि यदि हम किसी पिंड को उसके संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित कर दें लेकिन पुनः वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आए, उसको हम बोलते हैं अस्थाई संतुलन। बिल्कुल उल्टा है कि यदि किसी पिंड को उसके संतुलन की अवस्था से हम थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं लेकिन पुनः वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आए, उसको हम बोलते हैं क्या, अस्थाई संतुलन। क्या बोलते हैं, अस्थाई संतुलन। नेक्स्ट आपका आता है उदासीन संतुलन, तो उदासीन संतुलन में होता क्या है, उदासीन संतुलन में ये होता है कि यदि किसी पिंड को उसकी संतुलन की अवस्था से आप थोड़ा सा विस्थापित करेंगे ना, तो नई अवस्था धारण कर लेगी,
यानी कि यदि किसी पिंड को उसकी संतुलन की अवस्था जब थोड़ा सा विस्थापित करेंगे ना तो अपनी एक नई अवस्था धारण कर लेती है, उसको हम बोलते हैं उदासीन संतुलन। इन तीनों टॉपिक से यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका डायरेक्ट जो है थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि डेफिनेशन से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि बल युग्म है। तो बल युग्म होता क्या है? यदि किसी पिंड पर डियर स्टूडेंट दो बराबर बल लेकिन विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो ना, उसको हम बल युग्म बोलते हैं। देखो ये मान लो एक पिंड है, इस पिंड पर दो बराबर बल जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में यदि कार्य कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं बल युग्म। ये आपका एक पिंड है, मान लीजिए ए बी, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट O है। तो किसी पिंड पर यदि दो बराबर बल यानी कि बलों की जो परिमाण है वो आपके बराबर हो लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? बल युग्म बोलते हैं। यानी कि यह बल ए भी हो तो यह बल ए भी हो, और सिंपल सा यही कांसेप्ट है कि दो समान बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में यदि किसी पिंड पर काम करते हैं तो उसको हम बल युग्म बोलते हैं। बस दिशा उन लोगों का विपरीत होता है लेकिन जो परिमाण होता है वो आपका समान होता है। जैसे यह बल यहाँ पर काम कर रहा है तो यह बल यहाँ पर भी, बस डिफरेंस इतना है कि दोनों के जो डायरेक्शन है कार्य करने के अलग अलग है, तो यही आपका बल युग्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट की गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो सिंपल सा यही बात है कि पिंड का जो टोटल द्रव्यमान जहां पर केंद्रित होता है ना वही आपका गुरुत्व केंद्र होता है। सिंपल और आसान भाषा में पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान जहां पर केंद्रित होता है वही आपका गुरुत्व केंद्र होता है। जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा कि हम लोगों का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो आपका नाभि में होता है। तो इस तरीके से गुरुत्व केंद्र का सिंपल सा ये आपका डिफिनेशन है कि किसी भी पिंड का समस्त भार, संपूर्ण भार जहां पर केंद्रित होता है गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तोलक के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इसको आप जरूर नोट करिएगा। उत्तोलक से आपके एग्जाम में मैं ये बोलता हूँ 90% चांसेस है कि इस चैप्टर से यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उत्तोलक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ले लो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, दोनों ही एग्जाम में डियर स्टूडेंट उत्तोलक से ही इस चैप्टर से मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उत्तोलक होता क्या। तो आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक सरल मशीन है उत्तोलक, कुछ नहीं है, आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक सरल मशीन है उत्तोलक, ठीक है। तो उत्तोलक समझ में आ गया होगा कि आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक प्रकार की सरल मशीन है, इसे हम उत्तोलक बोलते हैं। अब देखो उत्तोलक का हम जो है डायग्राम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, उत्तोलक का हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हम एक बढ़न से उत्तोलक बना लेते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखना, ठीक है, इस तरीके से हम एक बड़ा सा ना उत्तोलक बना देते हैं। यहाँ पर आपका होता है आलम्ब, क्या होता है आलम्ब, और लगा होता है आयास, ठीक है, और एक साइड आपका होता है भारपस, ये आपका उत्तोलक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नामकरण भी कर देते हैं, तो नामकरण हम कर देंगे डियर स्टूडेंट, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और इसको आप मान लो एफ हो गया, ठीक है, ए पॉइंट ए हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, उत्तोलक तो समझ में आ गया होगा कि आघूर्ण को सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक सरल मशीन है। अब हम बात करते हैं आलम्ब, तो आलम्ब होता क्या है, तो ध्यान से देखोगे तो आलम्ब क्या है, उत्तोलक जिस बिंदु के थ्रू पूरी तरह से घूम सकता है वही आपका आलम्ब होता है। यानी कि जो आपका उत्तोलक है जिस बिंदु के परितः स्वतंत्र रूप से घूम सकता है उसको हम बोलते हैं उत्तोलक। कैंची आपने देखा है ना, कैंची इस तरीके से बीच में एक पॉइंट होता है जो रिपीट मारा रहता है, तो उस पॉइंट के परितः वो पूरी तरह से घूमती है, तो जो आपकी कैंची होती है ना एक उत्तोलक का ही उदाहरण है, ठीक है।
तो आरंभ क्या होता है? तो जिस बिंदु के परितल उत्तोलक पूरी तरह से घूम सकता है उसको हम बोलते हैं आरंभ। अब बात आती है डिस्टेंस, आयास क्या होता है? आलंब के एक ओर जो लगा बल होता है उसको हम आयास बोलते हैं। सिंपल सा बात है कि आलंब के एक ओर लगा जो बल होता है आयास होता है, और आयास के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो भार होता है, ठीक है ना? तो आलंब क्या होता है? जिस बिंदु के परितल उत्तोलक पूरी तरह से घूम सकती है, जिस बिंदु के परितल उत्तोलक स्वतंत्र रूप से घूम सकती है उसको हम बोलते हैं आलंब। आलंब के एक ओर लगाया गया एक बल जो होता है वो आपका आयास होता है, और आयास के द्वारा जो किया गया काम होता है वो आपका भार होता है। अब बात आती है डियर स्टूडेंट कि आयास भुजा क्या होती है? तो जो आपका ए से एफ तक की दूरी है ना, जो आपका ए से एफ तक की दूरी है ना, ये आपका आयास है। ए से एफ तक की जो दूरी है वो आपका आयास है, और ये आपका आयास भुजा है, भुजा ये जो है। और जो आपका बी से एफ तक की दूरी है ना, ये आपका भार भुजा है। क्या है? भार भुजा है। तो दोनों काम से ध्यान रखिएगा, जो आपका ए से एफ तक की दूरी है वो आपका आयास भुजा है, जो आपका B से F तक की दूरी है वो आपका भार भुजा है, ठीक बात है? अब देखिए उत्तोलक के संतुलन की अवस्था में होता क्या है? उत्तोलक के संतुलन की अवस्था में होता क्या है? आयास गुणे आयास भुजा बराबर होती है भार भुजा गुणे भार। उत्तोलक के संतुलन की अवस्था में क्या होती है? आयास गुणे आयास भुजा बराबर होती है भार गुणे भार भुजा। भार गुणे भार भुजा आपका होता है। उत्तोलक यदि संतुलन की अवस्था में है तो आयास भुजा गुणे आयास बराबर आपका होता है भार भुजा गुणे भार। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिगर को दिमाग में सेट कर लोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आपका उत्तोलक संतुलन की अवस्था में है तो आयास भुजा गुणे आयास बराबर भार भुजा गुणे भार होगा। यहां से और हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? यहां से हम और लिख सकते हैं कि आयास बट्टे का भार बराबर आपका क्या हो जाएगा? आयास बट्टे का भार बराबर आपका क्या हो जाएगा? आयास बट्टे का भार बराबर आपका क्या हो जाएगा? भार भुजा बट्टे का आपका हो जाएगा आयास भुजा। इसको भी आप नोट कर लो, ठीक है? आयास बटे भार बराबर भार भुजा बटे आयास भुजा, इसी फार्मूले से मैंने लाया है। इस पर आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, उत्तोलक के प्रकार पर। उत्तोलक के प्रकार को डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं आपको इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि आपको कभी भी भूलेगा नहीं। बस ध्यान से आप समझना डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आएगा। एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आलसी भाई से आस। उत्तोलक के तीनों प्रकार अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, बस एक ट्रिक ध्यान में रखना है, आलसी भाई से आस। तो देखो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा। तो मैंने क्या बताया आपको ठीक से ध्यान रखना है, आलसी भाई से आस, आलसी भाई से आस। तो यहां पर लिख दो आप आलसी, यहां पर आप लिख दो भाई से आस, आलसी भाई से आस। इसका मतलब ये है, आलसी भाई से आस का मतलब ये है कि आलम, आलसी से आपका हो जाएगा आलम, यानी कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब जो है वो कहां पर होता है? बीच में होता है। आलंब जो होता है वो आपका बीच में होता है। अब भाई से मतलब क्या है? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार जो आपका होता है वो आपका बीच में होता है, और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है? आपका आयास बीच में होता है। तो तीनों कॉन्सेप्ट और तीन क्वेश्चन तैयार, बस यही ध्यान में रखना है, आलसी भाई से आस,
आलसी से मतलब आलंब बीच होता है प्रथम वर्ग के उत्तोलन में, भाई से मतलब भार बीच में होता है द्वितीय वर्ग के उत्तोलन में, और आस से मतलब आयास होता है जो कि तृतीय वर्ग के उत्तोलन में। तो यदि आपका आलंब जो है बीच में होगा तो एक तरफ क्या आ जाएगा, एक तरफ आपका भार आ जाएगा और दूसरी तरफ आपका आ जाएगा आयास। यदि आपका आलंब बीच में होगा तो एक तरफ भार आ जाएगा दूसरी तरफ आयास। द्वितीय वर्ग के उत्तोलन में एक तरफ यदि भार आएगा तो एक तरफ आपका आयास आ जाएगा और एक तरफ आपका आ जाएगा आलंब। ठीक है, वहीं पर तृतीय वर्ग के उत्तोलन में यदि आपका आयास आपका बीच में होगा तो क्या होगा, एक तरफ भार आ जाएगा और एक तरफ आपका आ जाएगा आलंब। ठीक बात है कि नहीं? तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। बस सिंपल सा तो है यार, आलसी भाई से या आलसी का मतलब आलंब बीच में है, यदि आलंब बीच में होगा तो एक तरफ भार एक तरफ आयास होगा, और भाई से मतलब भार तो भार यदि बीच में होगा तो एक तरफ आयास एक तरफ आलंब होगा, यदि आपका आयास बीच में होगा तो एक तरफ भार और एक तरफ आलंब हो जाएगा। ठीक बात है, यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब बात आती है डियर स्टूडेंट की प्रथम वर्ग के उत्तोलन में यांत्रिक लाभ कितना होता है। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलन में जो यांत्रिक लाभ होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है या एक के बराबर भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलन में जो यांत्रिक लाभ होगा एक से कम भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। वहीं पर द्वितीय वर्ग के उत्तोलन में जो यांत्रिक लाभ होता है हमेशा एक से अधिक ही होता है, हमेशा द्वितीय वर्ग के उत्तोलन में यांत्रिक लाभ होता है हमेशा एक से अधिक ही होता है यांत्रिक लाभ। द्वितीय वर्ग के उत्तोलन में हमेशा यांत्रिक लाभ एक से अधिक ही होता है और तृतीय वर्ग के उत्तोलन में जो यांत्रिक लाभ होता है वो आपका एक से कम ही होता है। तो तीनों कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम वर्ग के उत्तोलन में जो यांत्रिक लाभ होगा एक से कम, एक से अधिक या एक के बराबर होगा, द्वितीय वर्ग के उत्तोलन में जो यांत्रिक लाभ होगा एक से अधिक होगा और तृतीय वर्ग के उत्तोलन में जो यांत्रिक लाभ होगा एक से कम होगा। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम्पल की कि प्रथम वर्ग के उत्तोलन में कौन कौन से आपके उदाहरण आते हैं, द्वितीय वर्ग के उत्तोलन में कौन कौन से उदाहरण आते हैं और तृतीय वर्ग के उत्तोलन में कौन कौन से उदाहरण आते हैं। उदाहरण से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलन के जो उदाहरण है वो आपका क्या है, सीसा, कैंची, सरासी, तराजू और आपका सरौता आता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलन में क्या आता है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो उदाहरण आता है वो आपका कैंची, तराजू और सरासी। ठीक है, ये आपका आता है कैंची, तराजू और गणासी होगा ये सरासी लिखा। ठीक है, और तृतीय वर्ग का जो उत्तोलक में उदाहरण होता है डियर स्टूडेंट वो आपका कूड़ा गाड़ी और सरौता आता है। क्या आता है, कूड़ा गाड़ी और सरौता जो होता है वो आपका द्वितीय वर्ग के उत्तोलन का एग्जाम्पल है, कूड़ा गाड़ी और सरौता। और एक एग्जाम्पल और आपका होता है नींबू निचोड़ने की मशीन। क्या होता है, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा गाड़ी, सरौता जो है द्वितीय वर्ग के उत्तोलन में आता है। तृतीय वर्ग के उत्तोलन में डियर स्टूडेंट चिमटा, हल और बेलना आता है। क्या आता है, चिमटा, हल और बेलन जो आपका होता है ये आपका तृतीय वर्ग के उत्तोलन का उदाहरण है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि यह चार्ट आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हो तो इस चार्ट के माध्यम से डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम में एग्जामिनर ये मान के चलो 24 से 25 क्वेश्चन बना देगा, 24 से 25 क्वेश्चन 100% बना सकता है 24 से 25 क्वेश्चन। अब पूछोगे कैसे, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बना देगा, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, तीन हो गए, एक चार पांच छह हो गए। ठीक है, अब देखो सात आठ नौ हो गया, दस ग्यारह बारह और निबुनिजेडिंग मशीन, तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह यहीं से तो हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से 16 क्वेश्चन तो मैंने यहीं से आपको बता दिया। और डियर स्टूडेंट
और कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलन का उदाहरण नहीं है, प्रथम वर्ग के उत्तोलन का उदाहरण नहीं है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरीके से स्टार्ट से आपके 20 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी इंटेंसिव एग्जाम में। देखिएगा डियर स्टूडेंट कि दोष युक्त तुला में शुद्ध भार आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपका तराजू में खोट है, यानी कि तराजू में यदि आपका दिक्कत है, तो आप कैसे शुद्ध भार ज्ञात कर सकते हैं? कब? यदि आपके दोष युक्त तुला में, यानी कि तराजू भी खराब हो, तो शुद्ध भार आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कब? जब तराजू ही खराब हो तो शुद्ध भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके दो कंडीशन। पहला कंडीशन ये है कि यदि पलड़ों का भार समान नहीं होता है, यदि आपके पलड़ों का भार समान नहीं होता है, तो शुद्ध भार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, W1 प्लस का W2 डिवाइडेड बाय 2 यूज करते हैं। कब? जब पलड़ों का भार समान ना हो, जब पलड़ों का भार समान न, तो जब पलड़ों का भार समान नहीं होगा, तो शुद्ध भार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, W1 प्लस का W2 डिवाइडेड बाय 2 यूज करेंगे। उसके बाद से, यानी कि जो तराजू में आप रस्सी यूज करते हो ना, यदि पलड़ों की लंबाई ही ना बराबर हो तो क्या होगा, तो शुद्ध भार ज्ञात करने का जो फार्मूला होगा वो आपका रूट ओवर W1 गुणा W2 होगा। तो दोनों ही कांसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, दोनों ही कांसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो आपका कांसेप्ट है, जब पलड़ों की लंबाई बराबर ना हो, या जब पलड़ों की लंबाई बराबर ना हो, तो जब पलड़ों की लंबाई बराबर ना हो, तो ऐसे कंडीशन में शुद्ध भार बराबर W1 गुणे W2 होता है। तो यहां तक आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, बल आघूर्ण से जो भी बेसिक कांसेप्ट व थ्योरी पार्ट थे, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आपको क्लियर करा दिया है। फिर भी डियर स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी प्रकार का कहीं से भी डाउट और कंफ्यूजन होगा, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में दिए गए जितने भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन का सॉल्व कर बिल्कुल शानदार तरीके से आपको कराने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।